मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज एनआईए की टीम ने मुंबई और ठाणे के करीब 20 जगहों पर छापेमारी की है। छोटा शकील के साथी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को सोमवार की सुबह में ही हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों के खिलाफ मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे में करीब 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों के मुताबिक एनआईए ने कुरैशी को उसके दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके स्थित आवास से हिरासत में लिया है। अधिकारी ने कहा है कि एजेंसी ने माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी को भी माहिम इलाके में उनके आवास से हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा है कि एनआईए अधिकारियों की एक टीम ने खंडवानी के माहिम स्थित कार्यालय पर भी छापेमारी की और बिल्डर असलम सुरतिया और बीफ निर्यात फरीद कुरैशी सहित कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। अधिकारी ने यह भी कहा है कि बांद्रा और माहिम इलाकों में रहने वाले कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। केंद्रीय एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के साथियों के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा इलाके स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी और भिंडी बाजार सांता क्रूज माहिम गोरेगांव के अलावा ठाणे के मुमरा तथा अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कई हवाला ऑपरेटर और मादक पदार्थ तस्करों के कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में ही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में जांच के दौरान कुरैशी से पूछताछ भी की थी।